खगड़िया जिले के मानसी प्रखंड के मानसी रेलवे स्टेशन के परिसर में स्थित है, जो सरकारी बाबू और जनप्रतिनिधि के उपेक्षित का शिकार है। जहां शहीद धन्ना माधव का स्मारक पर धूल मिट्टी बैठ चुकी है, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा शहीद धन्ना माधव के स्मारक को साफ सुथरा कर स्थानीय जनप्रतिनिधि ने शहीद धन्ना माधव को फूलमाला चढ़ाकर और नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित किए। बीएनपी न्यूज़ के लिए खगड़िया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। 13 अगस्त 1942 ईस्वी को मानसी स्टेशन किसी जगह इसी स्थल पर बख्तियारपुर के लाल शहीद माधव सिंह और अररिया जागृति टोला के लाल शहीद धन्ना मंडल पूरे मानसी प्रखंड का और मानसी के अगल बगल के तमाम लोगों के द्वारा महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत किया गया था, शंखनाद किया गया था, आह्वान किया गया था और उसी के तहत उन्होंने कहा था इस हिंदुस्तान से अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त करना है, समाप्त करना है और सत्तर और अहिंसा के बल पर इस फिरंगी ताकत को भगाना है। आज महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान के युवा करवट लिया, एक इनकलाब पैदा हुआ और उसी के तहत यहाँ के लाल भी मानसी के कई क्रांतिकारी साथी धन्ना और माधव के नेतृत्व में यहाँ पर इसी मानसी स्टेशन पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए चल पड़े थे और यहाँ हजारों का हुजूम था और हजारों का हुजूम देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत के जो चटकार लोग थे, प्रशासन थे, उन्हें कहा खबरदार पीछे हटो, झंडा नहीं फहरा सकते हो, नहीं फहरा सकते हो, फहराओगे तुम्हें गोली से भून दिया जाओगे, गोली से छलनी कर दिए जाओगे। धन्ना और माधव के तमाम साथी पीछे नहीं हटा और कहा दिया ओ अंग्रेज कुत्ते तुम में ताकत है, गोली चलाओ, हिंदुस्तान का सिपाही, हिंदुस्तान का वीर, हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का छात्र कभी पीछे नहीं हटेगा, तुम्हें गोली पुलिस चलना है चलाओ, मैं तुम्हारे गोली के सामने मेरा सीना होगा। और साथियों इसी आवाज पर चैलेंज कर दिया इस मानसी के लाल ने और कहा गोली चलाओ, फिरंगी ताकत ने गोली चलाया और यहीं पर एक साथ ही धन्ना और माधव गोली से छलनी कर दिए गए और शहीद हो गए। 13 अगस्त 1942 को शहीद धन्ना माधव ने अपनी शहादत दी थी और उसके बावजूद यहाँ के लोगों ने अथक प्रयास से इस स्मारक का निर्माण कराया। निर्माण कराने के उपरांत जो है बरसों से यह जो था यहाँ पर सिर्फ स्मारक के रूप में ही था और हम लोगों ने यहाँ के जनसहयोग से इस पर जो है हम लोग शहीद धन्ना माधव के मूर्ति का निर्माण करवाए और सबसे बड़ी बात है कि यह जो है देश की आज़ादी में कुर्बानी देने वाले ये दोस्त वीर अमर शहीद धन्ना माधव जिसने देश के खातिर आज़ादी के खातिर अपनी शहादत दी। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया, जिनके कारण जो है आज यह दुर्दशा देखने को मिलता है। हमने कई बार यहाँ के सांसद महबूब अली केसर को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि शहीद धन्ना माधव का जो है यहाँ पर सेट की व्यवस्था करवा दिया था, शहीद निर्माण जो है अमर शहीद धन्ना माधव पार्क का निर्माण हो, लेकिन पत्र के माध्यम से देने के बावजूद भी आज 2 साल हो गया है उनके तरफ से आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। रेलवे के अधिकारी भी आए थे, महाप्रबंधक, रेल महाप्रबंधक, हमने उनको भी अवगत कराया कि देश की आज़ादी के खातिर इन्होंने जान दी थी, इनको जो है शहीद धन्ना माधव पार्क का निर्माण किया जाए, आज तक उनके द्वारा भी अभी तक नहीं हो गया। इसलिए कि हम मांग करते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो है इन पर जो है जो देश के लिए निछावर की हम पर माननीय प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि आप देश के शहीदों के लिए हर तरह का काम करते हैं और यह ज़रूरत है कि शहीद धन्ना माधव का भी जो है स्मारक सही रूप से सौंदर्यीकरण के रूप में निर्माण हो। में हमारे धन्ना माधव जी थे और वहाँ शहीद प्रणुनारायण जी जो आज शहीद हम तीनों को आज याद कर रहे हैं। हम लोग सभी खगड़िया वासी, हम लोग सभी सामाजिक कार्यकर्ता गर्व महसूस करते हैं कि देश की आज़ादी में हमारे खगड़िया के लाल ने, आज हमें खगड़िया का बेटा होने का गर्व महसूस होता है कि खगड़िया के लाल ने अपने आज़ादी में अहम भूमिका निभाए और देश के खातिर शहीद हुए। और इसी आयोजन पर आज हम सब खगड़िया वासी एकजुट होकर के इनको हम लोग पुष्प अर्पित कर हम नमन करते हैं और इनके नमन के लिए हम लोग हर साल हर सभी साथी खगड़िया वासी एकत्रित होकर इनको हम लोग शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं।